निजी नर्सिंग होम चला रहे डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 9 लाख रुपए की अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग करने वाली मोनिशा डेविड उर्फ जोया को देवास पुलिस ने भिलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली में पीड़ित डॉक्टर ने 11 पेज का आवेदन देकर शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने धारा 384 और 120B का केस दर्ज किया था। मोनिशा की सघन तलाश की जा रही थी, अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। देखिए, एक नर्सिंग होम संचालक ने कोतवाली थाने पर आज एक आवेदन दिया था। उसमें उसका कहना है कि कुछ 3-4 लोगों ने मिलकर उसके साथ एक्सटॉर्शन किया है, जबरदस्ती उसको डरा धमका कर उससे लगभग 9 लाख रुपए वसूले हैं। तो उस पर प्रथम दृष्टया एक FIR कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 384-120 दर्ज की गई है। हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे कि पूरा प्रकरण क्या है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। नहीं, अभी FIR हुई है, हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या क्या उसमें कंटेंट है और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, कौन सा गिरोह है जिसके लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने नर्सिंग होम संचालक के साथ इतनी बड़ी घटना। 3 आरोपी अभी नामजद बनाए गए हैं उसमें और अन्य लोगों के लिए हम उसमें अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या क्या सबूत उन्होंने दिए हैं। अभी जस्ट FIR नर्सिंग होम संचालक ने ये बताया है कि उनको एक्सटॉर्ट किया गया है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया, लगभग 9 लाख रुपये उन्होंने चेक से और कैश को दिए हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में उन्होंने नामजद FIR दर्ज कराई है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करके इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि किस किस का क्या। ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें डरा धमका के और ब्लैकमेल करके डॉक्टर से पैसे लिए हैं और नर्सिंग होम संचालक को प्रताड़ित किया, इसके कारण उसने। सर, महिला संबंधी मामला है ना, महिला से के नाम पर इस तरह के कंटेंट आए हैं जिसमें किसी महिला का रोल। एक नर्सिंग होम संचालक है जिनका जिन्होंने ये FIR कराया। नामजद आरोपी हैं जोया महेंद्र गालोदिया और संतोष दबाड़े, 3 लोगों के खिलाफ। क्या लगता है सर, इस FIR के बाद में परत दर परत और भी नाम हो जाएगा? आज FIR दर्ज हुई है जिसमें नर्सिंग होम संचालक ने अपने ऊपर प्रताड़ना और एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए हैं, उनसे पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। अब हम इसमें पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या क्या कंटेंट थे उसके, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम। वीडियो भी है सर कुछ, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस चीज की पड़ताल की जाए।